हेलो वेलकम टू प्लस माइनस इंस्टीट्यूट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एन सी आर टी एग्जाम्पलर बुक एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसी तरह के क्वेश्चन आते भी रहते हैं चलो देखो ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर किस तरह की टू लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं तो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन बस हमको कंडीशंस याद रहनी चाहिए सो देर आर थ्री कंडीशंस ना बहुत कंडीशंस याद रहनी चाहिए ठीक है चलो तो कंडीशन क्या होती है वो पता होगा आप लोगों को ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू वी नीड टू फाइंड द थ्री रेशियोज ए वन अपॉन ए टू देन बी वन अपॉन बी टू देन सी वन अपॉन सी टू ठीक है तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड ए वन अपॉन ए टू देट इज़ इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाई टू सिक्स डिवाइडेड बाई टू एंड जस्ट कैंसिल इट बाई टू टू थ्री 6 सिक्स एंड टू वन जै टू ओके नाउ वी नीड टू फाइंड बी वन अपॉन बी टू विच इज इक्वल टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस वन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस वन तो माइनस कैंसिल हो जाएगा सो रेशियो विल बी सेम थ्री इज टू वन एंड देन वी नीड टू फाइंड द थर्ड रेशियो दैट इज़ सी वन अपॉन सी टू दैट इज़ टेन अपॉन नाइन टेन अपॉन नाइन तो ये कैंसिल नहीं होगा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं नाउ अब एनालाइज करना है आर द टू रेशियो आर सेम यस एंड द थर्ड वन इज नॉट इक्वल है ना तो ए वन अपॉन ए टू दैट इज थ्री इज टू वन इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू दैट इज ऑल्सो थ्री इज टू वन बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो ये कंडीशन क्या होती है ये कंडीशन किसकी होती है कंडीशन होती है पैरल लाइन्स किसकी कंडीशन होती है ये पैरल लाइन्स अच्छा अगर यहां नॉट इक्वल टू आता तो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू देन इट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन और ऑल द थ्री आर इक्वल देन कोइंसिडेंट लाइन तो यहां क्या आएगा भाई पैरल लाइन ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाते रहें थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू